नमस्कार, मैं मुबारक शेख। कोरोना वायरस की जंग में आज फिर मुंबई की एक ताज़ा खबर के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने आज यानी 31 तारीख को क्राइम ब्रांच डिटेक्शन 1 की यूनिट 7 ने आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। फर्जी तौर पर या नकली या मिलावटी तरीके का जो सैनिटाइज़र होता है, इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कोरोना वायरस की जंग में लोगों को साफ़ सफाई और एहतियात बरतने के लिए, तो उस तरह का जो सैनिटाइज़र था, ऐसे फर्जी एक कंपनी थी अंधेरी साकिना का इलाके में, जिसमें पुलिस ने लगभग छापामारी करके एक आरोपी को गिरफ्तार कर लगभग 23 लाख रुपए का माल जब्त किया है। और सबसे सोचने वाली बात तो ये है कि मुंबई पुलिस की अपराध शाखा डिटेक्शन 1 यानी उत्तर सबक की तरफ मुंबई के जो उत्तर दिशा की जो यूनिट क्राइम की डिटेक्शन 1 है, उसकी यूनिट ने अब तक एक सप्ताह भर के भीतर यानी 24 तारीख से लेकर 31 तारीख के दरमियान अलग अलग यूनिट ने, पहले तो यूनिट 8 ने कार्रवाई की, जिसके बाद यूनिट 6, 8, 10, 11 और आज क्राइम ब्रांच की यूनिट 7 ने कार्रवाई की है। इसी तरह के कोरोना वायरस में जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, आवश्यक जो चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों की कालाबाजारी हो रही थी, जिसमें हैंड सैनिटाइज़र है, मास्क है और बहुत सारी चीज़ें हैं, इस तरह की कालाबाजारी हो रही थी। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने हफ्ते भर के भीतर लगभग 16 करोड़ से ज़्यादा का माल जब्त किया है और 18 लोगों को अब तक के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आइए देखते हैं, डिटेक्शन 1 के DCP अकबर पठान साहब ने इस पूरे मामले का खुलासा किया, इस पूरे मामले की जानकारी दी, आप भी सुनिए। साहब के PI तावड़े साहब और बाकी सब टीम ने साकिना का 90 फीट रोड पे यहाँ पे छापा कार्रवाई की, जबकि उनके साथ में फूड एंड ड्रग्स के ऑफिसर भी साथ में थे। इस छापा कार्रवाई में जब उन्होंने वहाँ पे देखा तो सिनर्जी हाइजीनिक कॉरपोरेशन नाम से कंपनी है, जिसका मालिक दीपक चामरिया है, जो 9th क्लास पास है। वह बंदा वहाँ पे किसी भी तरह का ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत जो लाइसेंस चाहिए, उस बिना लाइसेंस का, कोई भी परमिशन के बिना, अनहाइजीनिक कंडीशन में, किसी भी तरह के एक्सपर्ट के बिना वहाँ पे अपने मनमानी तरीके से हैंड सैनिटाइज़र बना रहा था। और उसको इस्तेमाल करने के लिए, वह आदमी के इस्तेमाल करने के लिए, वह सही है या गलत है इसके बारे में जो क्वालिटी कंट्रोल चेक होता है, वो भी कोई सुविधा वहाँ पे नहीं थी। इस तरह से उसने वहाँ पे हैंड सैनिटाइज़र बनाए थे और लोगों को हैंड सैनिटाइज़र यह जेन्यून है बता के लोगों को बेच रहा था। इस तरह की बात समझ पता चलने के बाद में उस छापा कार्रवाई में वहाँ पे आधे लीटर की करीब करीब 1600 से ज़्यादा बॉटल्स और 5 लीटर की 350 से ज़्यादा कैन और उस तरह से हैंड सैनिटाइज़र बनाने वाले इतर सामग्री को जब्त किया गया, जिसकी कीमत 22 लाख से ज़्यादा है। इसके बाद साकिना का पुलिस स्टेशन में इसमें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट और इंडियन पिनल कोड के तहत अपराध दर्ज किया गया। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन में जब दिलीप चामरिया को अरेस्ट किया गया तो ये भी बात पता चली है कि उसके कंपनी के ऊपर, उसके ऊपर इसके पहले इसी तरह के अपराध करने के लिए पूना शहर में एक अलग से अपराध दर्ज है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त है। अब हम आगे अब तफ्तीश में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको रॉ मटेरियल कहाँ से आता था।